experience is a comb that is given to you by nature when you are bald. अर्थात अनुभव वह कंघा है जो इंसान को तब मिलता है जबकि वो गंजा हो जाता है. आज मैं तुम्हें जो पढ़ाने जा रहा हूं, जैसे इन वाक्यों की अंग्रेजी में कैसे बनाओगे, अंग्रेजी कैसे बनाओगे इन वाक्यों की जिसमें ये शब्द होते हैं. लिपटा हुआ, खोया हुआ, पहुंचने के बाद इत्यादि शब्द. जैसे मैंने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक पैकेट देखा. लिपटा हुआ, पड़ा हुआ, खोया हुआ, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये मैं तुम्हें बता रहा हूं. ये पास्ट पार्टिसिपल में बनाए जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल. जैसे मैंने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक पैकेट देखा. आई सॉ ए पैकेट रैप्ड, रैप्ड माने लिपटा हुआ, इन व्हाइट क्लॉथ. मैंने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ एक पैकेट देखा. इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो किस तरीके से बनाएंगे. एक और सुनिए, आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स. आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, मैंने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया. खोया हुआ, लॉस्ट. तो इस प्रकार से ये जो है वो सेंटेंस बनते हैं. क्या आपने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया है? Have you found your lost purse? Have you found your lost purse? क्या आपने अपना खोया हुआ पर्स पा लिया है? अब इसमें देखें कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रैप्ड भी और लॉस्ट भी. तो पास्ट पार्टिसिपल को थर्ड फॉर्म से, वर्ब की क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनाया जाता है. अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल को देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस कैसे होता है और इसको बनाया कैसे जाता है. स्कूल पहुंचने के बाद, यानी स्कूल पहुंचने के पश्चात, मैंने मोहन से अपनी पुस्तक वापस ली. स्कूल पहुंचने के पश्चात, अब देखें, हैविंग रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के पश्चात, तो इसमें हैविंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. पहले हैविंग आएगा फिर रीच आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैविंग रीच द स्कूल, और ये तो आपको पता ही होगा कि रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है. हैविंग रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचने के पश्चात, आई टुक माई बुक बैक फ्रॉम मोहन, मैंने अपनी पुस्तक मोहन से वापस ले ली. तो इस प्रकार के ये सेंटेंस बनाए जाते हैं. और यदि तुम्हें, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.